खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ये बुलेटिन खास है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है, किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीति जगत की खबर हो या क्राइम की खबर हो या कोई अन्य खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे रिपोर्टर्स के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से मनमोहन मौजूद हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी मौजूद हैं और राजस्थान के जयपुर से हमारे साथ इस वक्त अरविंद पलावत जल्द ही जुड़ेंगे। तो तमाम रिपोर्टर्स से जिक्र करें, उससे पहले बिहार की बात करते हैं। आपको बता दें कि बिहार से पहले उत्तर प्रदेश जो इस वक्त खबरों को लेकर अहम है। यूपी में कोविड 19 की नई तकनीकी एंटीजन टेस्ट से आज जांच शुरू हो जाएगी। सीएम ने कई जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं सीएम योगी मिशन रोजगार के तहत 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वहीं यूपी में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में लगातार आज क्या अहम खबरें रहने वाली हैं, आपको सीधे अपने रिपोर्टर पंकज चतुर्वेदी के पास ले चलते हैं। पंकज, आज के दिन किन अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी? पंकज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज के दिन बेहद खास चीजें रहने वाली है, यूपी में आज से एंटीजन टेस्ट की जांच की शुरुआत होगी, इसके साथ कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा 26 जून से 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आयोजन में शामिल होंगे। आपको बता दें, ये पहली बार होगा कोरोना के काल में जब पीएम मोदी किसी प्रदेश के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अहम ये रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पहुंचे उत्तर प्रदेश में अपने अपने कामों को छोड़कर, उसके बाद रोजगार एक बड़ी समस्या बन गई थी और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद चिंतित नजर आए। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बिहार की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लग गया है। आरजेडी के 8 में से 5 विधान परिषद के सदस्य आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। तो वहीं सियासी खेल में अब एक्टिव हो गए लालू यादव। तेजस्वी तक का भिजवाया मैसेज, मिशन आर पर काम करे पार्टी। वहीं बिहार में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, 24 से 29 जून तक इन जिलों में बारिश होगी। तो बारिश टहनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। सीधे आपको श्रीकांत प्रत्यूष, हमारे रेजिडेंट एडिटर वहां पर मौजूद है, वो जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे और आज के दिन क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं ये श्रीकांत आपको बताएंगे। श्रीकांत, पहले कोरोना का अपडेट दे देता हूँ। कोरोना का कहर बहुत बरप रहा है बिहार में और संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों के होश उड़े हुए हैं। राजधानी पटना में मंगलवार को 48 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना हाई सेंसिटिव जोन बन गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण का खतरा है। अब तक 60 के आसपास मरीजों की मौत हो चुकी है, कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्देश दिया। अब बात करते हैं, चूंकि चुनाव है बिहार में तो चुनाव पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। आपने खुद कहा कि किस तरह से तेजस्वी यादव को छोड़कर उनके 5 विधान पार्षद जेडीयू में चले गए, ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। उनके 5 MLC के जेडीयू में भाग जाने की वजह से राबड़ी देवी की जो कुर्सी है नेता विरोधी दल की विधान परिषद में, वो खत्म हो जाएगी।
केवल उनके अब तीन ही विधान पार्षद बचे हैं जी। और तीन सीटें और हैं उनके पास जो जिस पर चुनाव हो रहा है, तो छह बचेंगे, मिनिमम आठ सीटें चाहिए। तो अब राबड़ी देवी की भी कुर्सी छिन जाएगी और बीजेपी तो ये कह रही है कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की जो कुर्सी है नेता प्रतिपक्ष की वो भी नहीं बचेगी। देखिए सवाल है कि क्यों पांच विधान पार्षदों ने एक साथ आरजेडी को छोड़ा है जी। ठीक है, ये ऐसे विधान पार्षद नहीं है जिनका बहुत जनाधार है, बहुत बड़े नेता भी नहीं है या कोई कास्ट लीडर भी नहीं है, लेकिन एक साथ पांच अगर विधान पार्षद पार्टी छोड़ते हैं और वो भी जो लालू यादव के सबसे करीबी हैं, तो इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं जी। लालू यादव के सबसे करीबी थे रघुवंश प्रसाद सिंह, पार्टी के नंबर टू के नेता हैं और लालू यादव अभी तो जेल में है, तो नंबर वन के नेता उन्हीं को होना चाहिए था जी। उनकी अपेक्षा लगातार हो रही है, उनको राज्यसभा कायदे से आरजेडी को भेजना चाहिए था। उनके समर्थकों का कहना है कि उनको कायदे से आरजेडी को भेजना चाहिए था राज्यसभा में, राज्यसभा नहीं भेजा। विधान परिषद का चुनाव हो रहा है तीन सीटों के लिए, कोई सलाह नहीं ली। और अब उनके दुश्मन जो उनको चुनाव हरा चुके हैं रामा सिंह एलजेपी के पूर्व सांसद, उनको पार्टी में लाने की तैयारी में तेजस्वी जुटे हैं। तो रघुवंश बाबू का आपा ने आपा खो दिया और वो बरसे, और जब स्वस्थ होकर अस्पताल से निकलेंगे तो उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ बोलना है जी। तो रघुवंश बाबू बानर भभकी देने वाले नेता तो है नहीं, पहली बार इस तरह से खुल करके उन्होंने विरोध किया है, इस्तीफा दिया है। और मानकर चलिए कि रघुवंश बाबू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उनके करीबी सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू की जिस तरह से पार्टी में उपेक्षा हो रही है, उनका कोई भविष्य नहीं है इस पार्टी में, उन्हें पार्टी बदल लेनी चाहिए। हालांकि वो बहुत ही लॉयल रहे हैं आरजेडी को लेकर और अपने सिद्धांत को लेकर, समाजवादी हैं, पुराने समाजवादी हैं और किसी समाजवादी विचारधारा की पार्टी से ही उनका तालमेल हो सकता है। तो उनको तो पसंद तो प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, उनको पसंद नीतीश कुमार भी करते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू किसको पसंद करते हैं उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो लालू यादव ने कहा है कि रघुवंश बाबू को तेजस्वी संभाले, तो अब तेजस्वी को रघुवंश बाबू याद आने लगे हैं और उनको अभिभावक बताने लगे हैं और उनकी सारी शिकायतें दूर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, अब उनको राज्यसभा तो भेज नहीं सकते, सीट है नहीं। अब विधान परिषद की तीन सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सलाह ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और रघुवंश बाबू अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो मानकर चलिए कि बहुत बड़ा तगड़ा झटका होगा तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल, इस चुनाव में अगर फेल हो गए तो आगे की राजनीति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और महागठबंधन में तो घमासान मचा ही हुआ है, जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं, मुकेश सहनी दिल्ली में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बैठक आज होनी है, उस बैठक में क्या गुल खिलता है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है, हमारी भी नज़र बनी हुई है जी। तो महागठबंधन में क्या कुछ होने वाला है, अगले 25 तारीख तक तस्वीर साफ हो जाएगी जी। श्रीकांत, तो लगातार आपने देखा बिहार में किस तरीके से महागठबंधन को इस वक्त झटका लगा है, क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो 25 तारीख तक साफ होगी। अब आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वहीं इसी को लेकर अब निर्देश दिए गए हैं कि प्रभारी मंत्री 5 दिन जिलों में ही रहेंगे। तो वहीं सीएम आज ACB के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। तो वहीं राजस्थान के 11 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त अरविंद पलावत मौजूद है। अरविंद, आज के दिन राजस्थान के लिए कितना अहम रहने वाला है, किन बड़ी खबरों पर आज के दिन हमारी नजर रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की बड़ी खबरों की बात करें, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि राजस्थान में मौसम का जो मानसून जो है इस बार वो आज से आने वाला है, यानी 24 तारीख की जो तिथि है वो यहाँ पर तय की गई थी कि मानसून 24 तारीख को राजस्थान में प्रवेश कर सकता है, झालावाड़ के रास्ते ये मानसून राजस्थान में आ सकता है। और इसका जो नजारा है वो आज सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो यहाँ पर सुबह से बादलों की आवाजाही लगी हुई है और सुबह एक बार हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर कुछ इलाकों में हुई, और ऐसे में अब जो सुबह 9 बजे जो पारा करीब 35 डिग्री पहुंच जाता है तो अभी का जो पारा है वो करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसके साथ ही जो मौसम है वो काफी अच्छा यहाँ पर
हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में देखिए गर्मी काफी ज्यादा होती है और राजस्थान के चूरू, गंगानगर ये जो जिले हैं इनकी जो गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देखा गया, क्योंकि पिछले दिनों जो चूरू है वो दूसरे नंबर पूरे विश्व में गर्म आका गया था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में जब बारिश आती है तो उसके कई तरह के मायने, क्योंकि देखिए किसानों के चेहरे भी खिल उठते हैं जब बारिश आती है, और आम लोग जो गर्मी से परेशान होते हैं अप्रैल मई जून के महीने में, तो उन लोगों को भी काफी राहत यहाँ पर मिलती है। हालांकि जो हर बार यदि मानसून की बात करें तो करीब 1 जुलाई के बाद में ये मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार 24 जून इसकी तारीख दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए एक राहत की खबर है, और आज का जो मौसम है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ ही घंटों बाद में जो कई जिलों में जो बारिश है वो यहाँ पर हो सकती है, और कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट है वो भी यहाँ पर जारी किया गया। 11 जिलों के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है, कई जगह पर मूसलाधार बारिश का जो अलर्ट है वो भी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। तो इसके साथ ही यदि बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ACB के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, और कई मायनों में ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो का ये जो भवन बनाया गया है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भवन, इसमें कई तरह की जो तकनीक है वो यहाँ पर होगी। ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए भी जो एक आसानी जो है वो यहाँ पर होगी। साथ ही इसके साथ ही जो रिमांड रूम है वो अपने आप में एक पूरी टेक्नोलॉजी उसमें रखी गई है कि रिमांड रूम के अंदर जब किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी तो उसकी जो पूरी रिकॉर्डिंग है, उसकी जो वॉइस क्लियरिटी है वो पूरी तरह से वहां पर होगी, और ये एक अच्छी चीज यहाँ पर है, क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि जब बयान होते हैं तो उसके बाद में हालांकि उनको रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन कई बार वॉइस क्लियरिटी नहीं होती है जो वीडियोग्राफी की जाती है उसमें, तो लेकिन अब ये जो भवन होगा आगे यदि इसमें एक व्यक्ति धीरे से भी बोलेगा तो वो आवाज जो है वो पूरी तरह से क्लियर होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा सुबह करीब 11 बजे। इस दौरान ACB के जो DC हैं आलोक त्रिपाठी वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे CM हाउस में, और इसके साथ ही जो एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो नए भवन के अंदर इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यदि बात करें कोरोना को लेकर, तो देखिए लॉकडाउन अनलॉक जब से शुरू हुआ 1 तारीख से, उसके बाद में लगातार जो मामले हैं वो राजस्थान में बढ़ रहे हैं, और ये एक चिंता की बात है। हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि अभी जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर जो हकीकत है, क्योंकि एक ही परिवार से 26 लोग आना, एक ही मोहल्ले से काफी संख्या में जो लोग आना, तो कहीं ना कहीं ये चैन ऑफ ट्रांसमिशन है, ये कम्युनिटी स्प्रेड का लग रहा है। लेकिन जो चिकित्सा मंत्री वो पहले से मना कर रहे हैं कि अभी तक चैन ऑफ ट्रांसमिशन जो है कम्युनिटी स्प्रेड है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और इसके साथ ही यदि बात करें कि लगातार जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, और कल करीब 400 जो केसेज हैं वो यहाँ मिले, 395 मामले कोरोना पॉजिटिव के यहाँ पर सामने आए, करीब 9 लोगों की कल यहाँ पर मौत हुई, तो ये भी एक चिंताजनक बात है। साथ ही जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में 107 जो कोरोना पॉजिटिव है कल यहाँ पर मिले, और उसमें से 76 ऐसे लोग थे जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, जो फॉरेन से लौटे हैं, और उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है, चाहे होटल्स में रखा गया हो चाहे हॉस्पिटल्स में रखा गया हो, तो वो लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात यहाँ पर राजस्थान के लिए नजर आ रही है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि ACB के नए भवन का उद्घाटन आज CM करेंगे, साथ ही साथ मौसम का मिजाज भी बदला है, मानसून आ रहा है राजस्थान में, उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अब सीधे आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में COVID-19 की नई तकनीकी एंटीजन टेस्ट से आज जांच शुरू की जाएगी। CM कई जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के आदेश दिए हैं। वहीं CM योगी मिशन रोजगार के तहत 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी मौजूद हैं। पंकज, किस तरीके से आज बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और किन किन खबरों पर आज दिन भर चर्चा होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जहाँ पे कोरोना संक्रमण का ज़्यादा खतरा है, लखनऊ, कानपुर और इसके साथ साथ NCR के जो जिले हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सर ऐसे जिले जहाँ पे लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ सरकार ने निर्णय लिया है कि एंटीजन टेस्ट होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो फेरी वाले हों या जिन कंटेनमेंट जोन में अगर संक्रमण है, तो उस पूरे क्षेत्र के लोगों का जांच करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। और ये जांच बड़े शहरों में, शहर में छोटे छोटे स्थानीय जहां भीड़ भाड़ इलाके वाले हैं, जहां पे सब्जी की मंडी हो या अन्य मंडियां हो, अगर वहां संक्रमण मिल रहा है तो सभी की जांच करने के लिए निर्देश दिए, और आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जो छोटे शहर हैं वहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, साथ ही सर्विलांस सिस्टम को
मजबूत करने पे भी मुख्यमंत्री ने बल दिया है कि एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां गया है, इन सब चीजों को मजबूत करने के लिए तहसील, ब्लॉक और ग्राम लेवल पर हेल्प डेस्क बनाने का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। कोविड-19 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी पे हो गई, लोगों के रोजगार छिन गए, लोग अपने अपने घरों को पलायन करने लगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 90 लाख से अधिक नरेगा के तहत रोजगार देंगे। लेकिन नरेगा के तहत 100 दिन की जो गारंटी है वो क्या मजदूर रोजगार पाएंगे या फिर उनको जॉब कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उसका उतना बजट नरेगा का उत्तर प्रदेश का नहीं है कि 1 करोड़ मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जा सके, या फिर केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ाना होगा। और चूंकि सभी नई योजनाएं बंद हैं, ऐसे में उनको किन योजनाओं में, विकास कार्यों में लगाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 1 करोड़ लोगों को 26 मार्च को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 करोड़ लोगों को जो नरेगा या ग्राम विकास या अन्य जो मजदूर हैं या श्रम में पंजीकृत हैं उनको सरकार रोजगार देने का निर्णय लिया है, जिसकी अभी थोड़ी देर के बाद TV11 के साथ बैठक है। कोविड-19 से निपटने के लिए भी बैठक है। इसके साथ साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कंसल्टेंट्स एडवाइजर सरकार नियुक्त करेगी, उसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। साथ ही आगरा में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों की मौत को लेकर के सरकार और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है, जहां 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने 48 घंटे में जो मौत का आंकड़ा था वो 24 मामले को लेकर के ट्वीट किया था, जिसपे वहां के DM ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी की थी और 24 घंटे में खंडन करने की बात की। लेकिन प्रियंका गांधी अपने उस ट्वीट पे अभी भी अड़ी हुई है और कल फिर से सरकार पे हमला बोला और योगी सरकार से पूरा हिसाब मांगा कि कोरोना संक्रमण में हेरा फेरी संख्या में की जा रही, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, लोगों में दहशत का माहौल है। आज उसको लेकर के अब देखना होगा, चूंकि 24 घंटे बीत चुके हैं, DM उस पर अब क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी पीछे हटने के लिए इस मामले पे तैयार नहीं है। ऋतु जी, पंकज, जिस तरीके से आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की हमारे दर्शकों के साथ, तो लगातार उत्तर प्रदेश पर हमारी नजर रहेगी कि किस तरीके से यूपी सरकार इस वक्त एक्टिव है, कोरोना को लेकर हो या रोजगार देने को लेकर हो। सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2400 पहुंच चुका है। वहीं CM भूपेश बघेल आज से कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक भी शुरू हो गई है। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मनमोहन जुड़ चुके हैं। मनमोहन, आज के दिन किन अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी? जी ऋतु, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जारी है और जो कोरोना के मामले हैं वो आंकड़े हैं अब 2400 के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि अन्य राज्यों की स्थिति में तुलना में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना में अब तक 12 लोगों ने जान गंवा चुके हैं। तो जो आंकड़े हैं वो 2400 के करीब पहुंच चुका है, वो चिंता का विषय है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है। लेकिन सरकार भी इस ओर पूरी ध्यान दे रही है एवं हर जो कोविड-19 हॉस्पिटल का वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है मनमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने राज्य की बड़ी खबरों के बारे में बताने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।